हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड इन द न्यूज़पेपर्स फॉर सिक्स ऑफ जनवरी 2021 mm -hmm. तो आज हम देखेंगे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी चाहिए स्टार्टिंग विद द फ्रंट पेज न्यूज़ सी दिस न्यूज एस क्लियर सेंटर्स प्लान टू बिल्ड अ थ्री टाइम्स बिगर पार्लियामेंट एज सच ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है फ्रॉम द सिविल सर्विसज परस्पेक्टिव वट इज़ इंपॉर्टेंट हेयर इज द लेवल ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन लेवल ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन दिस पर्टिकुलर डिसीजन दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए अलग अलग जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं इट इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवर रीच Judicial review. So these are the terms that are used. Jabbi <laughs> judiciary it steps into the domain of or it questions anything done by the legislature or executive. The state has three organs legislature, executive, and judiciary. Legislature ka kam hai law banana. Executive ka kam hai law ko implement karna. And judiciary ka kam to keep a check on both the legislature and the executive. But sometimes the judiciary oversteps its authority. तो उस लिए ये अलग अलग टर्म्स यूज़ की जाती हैं फॉर एग्जाम्पल जुडिशल रिव्यू इज़ अ टर्म विच इज़ टोटली वैलिड इन लॉ जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्ट को जुडिशियरी रिव्यू कर सकती है और अगर कोई भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती है देन दैट प्रोविज़न कैन बी नालिफाइड बाय द जुडिशरी सो जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है दैट द जुडिशरी इज़ एक्टिंग एज एन एक्टिविस्ट तो कुछ चीज़ों को प्रोएक्टिवली एक्टिवली जुडिशरी अपनी कंसिड्रेशन में ले रही है एंड इज पासिंग ऑर्डर्स और ट्रीटिंग सच थिंग्स एज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म में एक आ, जो एग्ज़ाम्पल आ जाएगी इट विल बी इफ द जुडिशियरी फ्रेम्स गाइडलाइंस ऑन समथिंग और जुडिशरी ट्राइज टू मेक अ लॉ जिसे जजमेड लॉ भी कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल इट हैपन ड्यूरिंग नाइनटीन विशाखा गाइडलाइंस फॉर सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क तो विमेन की सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए कोई लॉ नहीं था सो जुडिशरी स्टेप फॉरवर्ड एंड क्रिएटेड गाइडलाइंस फॉर दैट और उसी ऑर्डर में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दैट दीज दीज रूल्स शेल रिमेन इन फोर्स अंटिल द पार्लियामेंट पासिस अ लॉ टू दिस इफेक्ट तो उसे हम क्लासिक केस कह सकते हैं जुडिशल एक्टिविज्म का थर्डली जुडिशियल ओवर रीच नाउ देर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवर रीच कि क्या जुडिशरी ने अपनी अथॉरिटी ओवर स्टेप की है या नहीं इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कहीं पे जुडिशरी ने पूरा लॉ ही खुद बना दिया या फिर जुडिशरी ने पूरी तरह से कुछ ऐसा कर दिया विच इज़ नॉट अंडर इट्स डोमेन बट इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग आई के नॉट एक्चुअली गिव यू एन एग्जाम्पल ऑन जुडिशियल ओवर रीच लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जजेस ने खुद ये कहा है कि हम एक यू कैन से वी विल नॉट ट्रीट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और दिस पर्टिकुलर केस एज अ स्पेशल केस क्योंकि कई एक्टिविस्ट ने डिमांड की थी दैट सिंस दिस पर्टिकुलर इशू रिलेट्स टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसलिए इसको एक हाइटन सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू की तरह देखा जाए या हाइटन सेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू की तरह देखा जाए बट द जुडिशरी डिसाइडेड टू डू अवे विद इट और उन्होंने इसको सिंपली एज अ लैंड डिस्प्यूट का मैटर देखा उन्हें डेली डिवेलपमेंट अथॉरिटी के रूल्स और रेगुलेशन देखे वैदर ऑल द रिक्विज लीगली वैलिड परमिशंस हैव बिन शॉर्ट और नॉट और वो सारा कुछ उन्हें सही लगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ़ दैट दे हैव गिवन इट अ गो अड उन्होंने इसमें किसी भी तरह से ओवर रीच करने की कोशिश नहीं की सो दैट इज वाई दीज टर्म्स आर इम्पोर्टेंट हेयर तो इसको आपने किसी भी तरह से पोलिटिकल नहीं देखना यू जस्ट हैव टू सी दैट द गवर्नमेंट हैड फुलफिल्ड ऑल दैट वॉज टू बी फुलफिल्ड अंडर द लॉज लेड डाउन बाई डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वर लेड डाउन तो वो सब कुछ फुलफिल हो गया एंड ऑन द बेस ऑफ दैट इट वॉज गिवन अ गो हैड सो पॉलिटिक्स शुड नॉट बी इट्स शुड नॉट बी सीन एज अ पोलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी इट वॉज़ अ सिंपल यू कैन से लीगल चैलेंज एंड इट हैज़ बिन डन अवे विद दूसरी न्यूज़ है पुणे हैव टू ट्रैक वैक्सीन चेन अक्रॉस फोर्टी वन की सिटीज़ तो इंडिया में सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव होने जा रही है एंड फॉर दैट दिस इज़ अ गुड न्यूज़ दैट यू कैन रीड फॉर द सेक ऑफ प्रेपरेशन कि इंडिया कैसे उस वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है कैपैसिटी बिल्ड कर रहा है सो इट्स अ वेरी गुड यू कैन से न्यूज़ दैट यू कैन रीड फॉर दैट उसके बाद यस दिस इज अनदर न्यूज स्टेट्स ऑन अलर्ट एज फ़ियर ऑफ बर्ड फ्लू ग्रोज तो एच फाइव एन वन जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है एच फाइव एन वन जो है इट इज़ बींग ऑब्जर्वड इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हरियाणा एंड पंजाब और जो एच फाइव एन एट है

तो इसको आपको ध्यान में रखना है साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से वट इज वट इज एच फाइव एन वन एच फाइव एन एट देयर कॉम्पोजिशन एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट द ह्यूमन बॉडी तो ये आपको प्रिपेयर करना है मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पे पहला है मोराइब गवर्नेंस इस आर्टिकल में गाज़ियाबाद में एक क्रिमेटोरियम में एक छत गिरने की वजह से बहुत सारे लोग मर गए सो दिस पर्टिकुलर इशू इज़ अबाउट द ऑडिट ऑफ सिविक प्रोजेक्ट्स कि ऐसी कभी भी जब कोई एक्सीडेंट कभी भी हो जाता है कोई बिल्डिंग गिर जाती है और एनी पब्लिक प्लेस जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या की करना चाहिए रेगुलर ऑडिट कराना चाहिए विच अथॉरिटीज़ शुड बी इन्वॉल्व वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग तो ये एक अच्छा केस स्टडी है आइदर इट इज़ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर एथिक्स आंसर्स और इन जनरल गवर्नेंस के लिए तो ये वाली एडिटोरियल आपको पढ़ना है सेकेंडली इंग्लैंड इन लॉकडाउन तो इंग्लैंड में जो नया कोरोना वायरस की म्यूटेशन जो फैल रही है उसके ऊपर ये आर्टिकल है यू शुड रीड इट टू गेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन और इसको आपने रेगुलर मैनर में पढ़ना है दिस न्यूज यू हैव टू रीड इन चेन एक्चुअली ऑन पेज नंबर सेवन ओ पी ईडी दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वन द हर्डल्स इन शीज ग्रेट पावर एम्बिशंस ये चाइना आई के लिए दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं ये चाइना रिलेशंस के लिए और ये इंडिया यूके रिलेशंस के लिए ये दोनों आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं फॉर द आई पर्पस दिस यू कैन एक्चुअली स्किप उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑन पेज नंबर एट दिस इज द न्यूज पीएम एम कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन तो नेचुरल गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये आपको पढ़ना है इसमें कुछ डेटा दिया गया है कि एट प्रेजेंट एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है नेचुरल गैस का कितना है द टर्म दैट यू शुड नो इज़ एनर्जी मिक्स कि इंडिया के एनर्जी मिक्स में अभी अलग अलग कॉम्पोनेंट्स कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड वट इज़ द टारगेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कि एक पर्टिकुलर साल तक नेचुरल गैस की कॉन्ट्रीब्यूशन को कितना बढ़ाना चाहते हैं सो दैट डेटा यू कैन गेट फ्राम दिस पर्टिकुलर न्यूज़ तो आपको ये पढ़नी है नेक्स्ट सो uh, so, जैसा कि मैंने आपको पहले फ्रंट पेज न्यूज़ पे बताया एस सी सी नो टू इंटेंस जुडिशल रिव्यू तो उन्होंने केस uh, की मैरिट में जाने से मना कर दिया कि दे विल नॉट यू कैन से क्वेश्चन द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन एलोकेटिंग द लैंड और एवरी थिंग जहाँ जहाँ तक रूल्स और रेगुलेशन और लॉ की बात थी वो सब कंप्लाई हुए हैं दैट इज़ द ओनली थिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू कंसर्न इट सेल्फ विद तो नो इंटेंस जुडिशियल रिव्यू ये इस कॉन्टेक्स में मैंने आपको बताया था Then uh, on the world page <clears throat> uh, So nothing very important on the world page here. Let us uh, jump to the second newspaper, which is the Indian Express. So again vaccines ke upar news has central Vista ke upar news hai, we have already covered it.

ये एक अच्छा है एक डिस्प्यूट बताया गया एक बहुत बड़े डैम के ऊपर अलग अलग कंट्रीज़ में डिस्प्यूट चल रहा है इथियोपिया इजिप्ट सूडान में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर ये है सो यू कैन रीड दिस इंटरनेशनल डिस्प्यूट से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी सो जस्ट रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड देन दिस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्स्पेक्टिव फ्रॉम सी एस आई आर लैब्स फ्रेश एविडेंस एंड एडवाइस ऑन एयरबोन कोविड स्प्रेड ये वाली आपको न्यूज़ पढ़नी है

आई वुड से इट्स अ ग्रे एरिया टिल राइट नाउ तो काफ़ी अच्छा एक एडिशन है इन द कूलेस्ट वर्क प्लेस इन द वर्ल्ड कि कैसे वहाँ पर एक ट्रेड यूनियन बनी है सो ऑल द बिगेस्ट टेक टेक्फॉर्म्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एप्पल गूगल याहू एंड माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक सभी लोग वहाँ पे देयर हेडकुआटर्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर प्लेस इन सिलिकॉन वैली इन यू तो वहाँ पर ये जो एक आई वुड से वर्कर्स यूनियन बनी है वट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री इकोनमी सोसाइटी काफ़ी अच्छा एक केस स्टडी रहेगा अपने आप में यू शुड रीड अबाउट इट क्यों ये कितना यूनिक एक्सपेरिमेंट है और क्यों यू एस जैसी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में वर्कर्स यूनियन इन सर्विस सेक्टर आर नॉट अ कॉमन फिनोमिनन नॉट इवन इन इंडिया इंडस्ट्री में देर आर वर्कर्स यूनियंस देर आर वर्कर्स यूनियंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री देन देर आर यूनियंस इन फार्मर्स एज वेल बट वेन इट कम्स टू सर्विस सेक्टर सच यूनियंस आर लार्जली मिसिंग तो उसके ऊपर ये केस स्टडी अच्छी हो सकती है फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग यू कैन रीड इट सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है दैट इज ऑन पेज नंबर सेवनटीन द चाइल्ड इन इंडिया तो ये तीन काफी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने आर्टिकल लिखा है अभिषेकानंद विकास दिम्बले एंड अरविंद सुब्रमण्यन अरविंद सुब्रमण्यन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ अ को ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल तो इन्होंने एक सजेशन uh, दिया है कि गवर्नमेंट को एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनानी चाहिए फॉर चिल्ड्रन सिंस देयर बर्थ टिल देयर टेन फाइव ईयर्स ऑफ एज तो इंडिया के जितने भी मीट्रिक्स uh, हैं इंडिया के जितना भी डेटा है फॉर द इन्फेंट मोटेलिटी फॉर चाइल्ड मोटेलिटी फॉर अंडर न्यूट्रीशन स्टंटिंग वेस्टिंग उन सब में यही एक एज ग्रुप है जो कि टारगेटेड है वेदर इट इज़ फॉर वैक्सीनेशन वेदर इट इज़ फॉर न्यूट्रिशन वेदर इट इज़ फॉर मटैलिटी रेट तो इन सब को कम्बाइन करके वन सिंगल इंटीग्रेटेड स्कीम शुड बी लॉन्च्ड विच शुड फोकस ऑन द वेल बींग ऑफ द चाइल्ड एंड द मदर फ्रॉम वूम टू द फर्स्ट फाइव ईयर्स तो ये काफ़ी अच्छा एक इंटीग्रेटेड प्लान हो सकता है और उसके लिए उन्होंने आइडियाज़ भी दिए हैं उसके आउटकम्स क्या क्या रहे हेल्थ इंडिकेटर्स अंडर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है जिसको आप कर सकते हैं यह डेफिनेटली आपको करना है राइट right? काफी सारा डेटा दिया गया है जिसको आप अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में इट इज दिस द चाइल्ड इन इंडिया सो यू हैव टू रीड दिस एंड देन ऑन द वर्ल्ड पेज देर इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द इकोनोमी पेज हा आप एक न्यूज पढ़ सकते हैं सी दिस पर्टिकुलर न्यूज पीएम वर्किंग टू बूस्ट गैस कनेक्टिविटी अनप्रेसिडेंटेड लेवल इसे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं जो न्यूज़ हमने द uh, हिंदू में पढ़ी थी ऑफ द न्यू नेचुरल गैस पाइपलाइन वहाँ से कुछ फैक्ट्स यहाँ से भी उसमें ऐड कर सकते हैं सेकेंड इज दिस इंडिया लॉस टू पॉइंट एट बिलियन डॉलर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इंटरनेट शट तो ये आपको पढ़ना है इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी है सारा कुछ सो दीज आर ऑल द न्यूज़ दैट यू हैव टू रीड इन दीज टू न्यूज़ पेपर्स टूडे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ like subscribe and share it with your friends if you want to join our daily carpedium there is a link in the description register you can actually get all the news all the important news in your mail every day for free so you can subscribe to our daily carpedium you can register on our abipedia portal by clicking on the link in the description below thank you and have a nice day